पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन किया गया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई। बैठक में सीएम कैप्टन अमरिंदर ने अपनी सरकार के शेष कार्यकाल में युवाओं को 1,00,000 सरकारी नौकरी देने के वायदे को पूरा करने के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए एक राज्य रोजगार योजना 2020-22 को मंजूरी दी है, जिसमें भर्ती केंद्र सरकार के वेतनमान पर की जाएगी। साथ ही बैठक में टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो बिल 2020 को मंजूरी दी है, ताकि आलू के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद मिले। वहीं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने के उद्देश्य से पंजाब स्लम डॉलर्स अधिनियम 2020 के नियमों की अधिसूचना करने की मंजूरी भी दे दी गई है। तो सीएम कैप्टन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई। आपको बता दें कि एक राज्य रोजगार योजना 2020-22 को इसमें मंजूरी मिली और पंजाब में 1,00,000 युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया गया और साथ ही साथ टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो बिल को भी मंजूरी दी गई और आलू के उत्पादन को प्रोत्साहित करने को इससे जो है किसानों को मदद मिलेगी। तो किसानों के लिए भी कैप्टन सरकार ने ये अहम फैसला लिया है और साथ ही साथ युवाओं के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। वहीं केंद्र और किसानों की बैठक पर अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि किसानों को दिल्ली बुलाकर अपमान किया गया। इस बैठक में पीएम या किसी कैबिनेट मंत्री को मौजूद होना चाहिए था। मैं वही कर रहा है कि एक बहुत बड़ा इंसल्ट किया है सेंट्रल सरकार ने। पहली गल तुसी जथेबंदी नूं बुलाउंदे हो, फिर तुसी इक सैकटरी की ड्यूटी लाउंदे हो, जिहड़े सैकटरी को फैसला कर ही नहीं सकता। घट तो घट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या उन्होंने बीजेपी की टॉप लीडरशिप गवर्नमेंट की होनी चाहिए है।